अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, ये हमारे पंजाब का फोर्थ डे, दो मेरे थर्ड डे पे नहीं बना व्लॉग, सो फोर्थ डे पे बना रहा हूँ। सो आज का सीन ये है कि मैंने उठ के नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है अभी मैं जा रहा हूँ अपने मामों के साथ किसी काम से थोड़ा सामान लेने, और वो कुछ चीज़ें मुझे विज़िट भी कराएंगे पंजाब की जो मशहूर चीज़ें हैं। अभी तो छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि आज टाइम मुहर्रम है तो उसके ज़्यादा चीज़ें नहीं खुली होंगी। एनीवेज, चलो चलते हैं, बाइक निकालते हैं और फिर आपको सारा व्यू दिखाते हैं। और आज जो है मेरे कज़न आएंगे, कल आए थे मेरे कज़न, उनका रात पे रुकने का प्लान था लेकिन यार रात को नहीं रुक पाए, उनके कज़न की बर्थडे थी। तो आज 1 बजे वो आ रहे हैं और हमारा पूल वगैरह हर चीज़ का प्लान है। चलो जल्दी से चलते हैं, और यार आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इंशाल्लाह ताला बस कुछ बस दिन रह गए, फिर हमें वापस जाना है यार हैदराबाद, फिर स्कूल खुलने हैं। तो चलो बाइक निकलती है और फिर जल्दी से आना। एक नहर पे जो समझ लो पंजाब उकाड़े की सबसे बड़ी नहर है, और इसका नाम क्या है मामू? लोअर बारी दोआब। लोअर बारी दोआब इसका नाम है, और ये बड़ी नहर के नाम से मशहूर होता है। आप जैसे देखो यार, उधर से पानी आ रहा है, इतना खौफनाक लग रहा है। और ये आगे लिंक भी करती है ना, खाने वाल से आगे इसकी लिंक बन जाती है। खाने वाल से आगे इसकी लिंक बनती है, और राइट और लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं, उसका नाम भी है राइट और लेफ्ट साइड वाला, टू आर एरिया और टू आर एरिया। बेसिकली राइट साइड को कहते हैं टू आर एरिया, आर राइट, ओके। सो राइट एरिया और लेफ्ट को क्या कहते हैं? टू एल एरिया, एल फॉर लेफ्ट और आर फॉर राइट। और यार आप देखो, अच्छा एक इधर ज़मीन है, बिल्कुल बीच वाली फीलिंग आती है। मैं चलो नीचे जाके आपको सारा व्यू दिखाना हूँ। तो गाइस मैं करीब पहुँच चुका हूँ यार। इधर बेसिकली क्या होता है कि ना इतने एरिया पे ज़मीन है, बाकी जो सेंटर में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है यार। मैं अभी पानी थोड़ा बहुत मट्टी वाला है, गंदा है। अच्छा इधर भैंसें भी आती हैं, जो लोगों की भैंसें होती हैं तो वो इधर नहलाने के लिए भी आते हैं। अच्छा ये देखो, मुझे ऐसे लगता है बीच है ये, लेकिन ये बीच नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा पाव डाल के दिखाऊँ कितनी गहरा है, देखो तो इतना वहाँ तक ज़मीन होगी सामने तक, उसके बाद मिडल में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। और इधर कोई नहाता भी नहीं है। हाँ, जो बच्चे इधर के होते हैं ना जिन्हें स्विमिंग आती है वो इधर ज़रूर नहाते हैं, अपनी भैंसों को भी नहाते हैं। और आप देखो इधर परिंदे वगैरह सब इंजॉय करते हैं। ये मुझे नहीं समझ में आता ये फसलें कहाँ से आती हैं, फसलें पता नहीं क्या है। चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे आपको और भी सारी चीज़ें दिखाएंगे। बस अब आ चुके हैं, इस नहर का मैंने आपको रिव्यू दिया था। अब ये जो नहर है ये है उस नहर की बैक साइड, इधर से सारा पानी आता है और उस नहर नीचे डैम टाइप ही, देखो जब ईंटों के लगे हुए ना, इससे जाते हैं पानी। आप देखो कितनी फास्ट जा रहा है पानी। तो ये पानी जाता है आगे, लिंक करता है खाने वाल से, फिर खाने वाल में और भी लिंक होते हैं तो वो आगे वाले शहरों को, आगे वाले प्रोविंसेस को पानी पहुँचाता है, जैसे दरियाए सिंध में पहुँच जाता है, ऐसा सारा सीन है। इधर से पानी आ रहा है, यार क्या स्पीड है इसकी, कोई डूबा तो भाई डूबा, पर इसकी बहुत ज़्यादा ही बह रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा ये जो पौधे मैंने आपको बात की थी, ये जो है ये ऐसे पौधे हैं कि पानी में धूप कब, अगर पानी में भी रहेंगे ना ये सड़ेंगे नहीं। सामने आप देखो यार सबकी गाय वगैरह है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे आपको ज़्यादा चुके हैं इसके करीब। यार अब पानी का प्रेशर देखो, मैं बता रहा हूँ पीछे से तो कुछ नहीं लग रहा था जितना इधर से लग रहा है। अच्छा ये जो साइड है ये है पूरी डूबने वाली, और ये पूरा पुल बना है। हाँ इधर से सपोर्ट नहीं है तो मैं इतनी आगे भी नहीं जा रहा। ये जो मिडल पार्ट है ना ये बहुत ज़्यादा गहरा है, और आप इसको यार पानी का प्रेशर देखो, ये आ रहा है और फिर आगे जाके दूसरे प्रोविंसेस को पानी पहुँचा रहा है। आवाज़ तो थोड़ा मसला होगा, कोई बात नहीं, मैं प्रेशर से इसके यार हैरान हो चुका हूँ। और ये देखो ये पानी आ कहाँ से रहे हैं, ये दरियाए रावी से पानी आ रहे हैं और खाने वाले तक जाएगा, फिर आगे सारे प्रोविंसेस को देगा पानी। यार इसका प्रेशर चेक करो यार। आपको बताया था कि टू आर एरिया और टू एल एरिया के बारे में। सो अगर मैं अब बताती जाऊँ तो ये जो टाइप ऑफ गहराई है ना ये लिंक करती है टू एल एरिया को। सामने जो सारा पानी जा रहा है ना, आप सामने देखो वो जा रहे हैं टू एल एरिया को, और जो टू आर एरिया को लिंक करता है वो आगे की तरफ है, बहुत ज़्यादा आगे है। और आप देखो इधर अच्छा इतना इधर प्रेशर नहीं है जितना उधर था। और यार
आप चलते हैं आगे की तरफ। ये ट्वेल एरिया को सारा पानी जाता है, जिससे लोग फिर ना अपना वो पानी से काम वाम कर सकते हैं। ये कहलाती है हेड टाइप ऑफ डैम है। यहाँ से पानी जब इसको ऊपर करते हैं तो पानी निकल, फिर आगे पानी लिंक में जाना शुरू। अच्छा, इसे ऊपर करके फिर पानी लिंक में चला जाता है ट्वेल एरिया को, है ना। हाँ, चलो ये आ गया इरीगेशन डिपार्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेड रेगुलर फोर एल डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेकिनाटा रोड। और आप इसके देखो डिस्टेंस 260 CS, नंबर ऑफ बेस 2 नंबर, और इसकी गहराई भी अच्छी खासी है। लेंथ रोड 0+000 काड़ा। यार इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है जो है। इसके फिट जैसे कि आप देखो कितने फिट है ये, ये लिखा हुआ जैसे 12.20 फिट। ये है बेड वेट है US 200, और फॉल ऑफ 196+9 LBDC, टोटल ऑफ बेस 14 है, इसकी 14 बेस है, और वेट इसकी 9.625 फिट है। LBDC का मतलब है लोअर बारी दुआब। अच्छा, LBDC का मतलब लोअर बारी दुआब, ये जो नहर का कैनाल का नाम है ना, लोअर बारी दोआब कैनाल। ये है इन फ्यूचर उकाड़ा जू, वगैरह नहीं आए, ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। और आप ये नज़ारे गाइस, अब मैं आया हूँ एशिया की, पाकिस्तान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी। पोटैटो जो हम खाते हैं फ्राइज में, आलू गोश्त, तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। आप देखो अभी कोई रौनक नहीं है, अभी बिल्कुल सुनसान है, लेकिन अगर जब आलू का सीज़न कब आता है? नवंबर के लास्ट में आलू का सीज़न शुरू हो जाता है, मतलब दिसंबर में शुरू हो जाता है, और ये पूरा एरिया भरा हुआ होता है। और अभी एशिया की नंबर वन बेसिकली, ये वैसे शहर है छोटा उकाड़ा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ना कि शहर की ये समझ लो कि मेन दिल है, जो मेन दिल है। हाँ, मेन दिल है। तो ये तो यार मैं लिटरली हैरान हो गया, एशिया की नंबर वन पोटैटो की मंडी। इधर तो अभी बेसिकली झूले लगे हुए हैं, लेकिन वो रेंट पे है। जब जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा ऑब्वियसली तो सब लोग आ जाएंगे, फिर यार इतना रश होता है इधर, जैसे कि मेरे मामू बता रहे हैं इधर बहुत ज़्यादा रश होता है। मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा रोड स्टेबलाइजेशन खराब हो गया। बाकी हाँ, जिन झूलों की बात कर रहे हैं, ये झूले ये रहे, ये रेंट पे लिए हमें, और ये जगह रेंट पे ली हुई है। और ये जो पूरा एरिया जितना भी आप देख रहे हो ना, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये पोटैटो की सीजन में जो है कवर हो जाएगा सारे एरिया, क्योंकि है पोटैटो की मंडी, तो ऑब्वियसली रेस्ट तो होएगा ना भाई। आप झूले भी देखो, झूले भी फर्स्ट क्लास लगे हैं। अब हम आए हैं दरबार शरीफ पे, हजरत करमा का दरबार शरीफ, हजरत करमा वाला। सो ये जो वाइट कलर की आप देख सकते हैं, ये है थोड़ा आगे चल, हम आ चुके हैं करीब दरबार शरीफ पे, हजरत करमा वाला। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, सारा संगे मरमर लगा हुआ है। अच्छा, अभी नमाज हो क्या दिए? नहीं वैसे। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है ये, इतनी बड़ी मस्जिद, इतना इतनी बड़ी दरबार, इतनी रौनक है उधर। सो गाइस, ये है स्पायर कॉलेज, और मैं पहले पढ़ता था स्पायर गवर्नमेंट स्कूल है, इधर इसका कॉलेज है। सो गाइस वेलकम टू उकाड़ा। ये है एक जगह जो उकाड़ा के अंदर ही मौजूद है, इधर सारे ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि KFC आ गया, इधर मैं परसों आया, सबवे, इधर सबवे भी, हाँ इधर सबवे, KFC, जॉलीज पे कल परसों आया, जो तुमने इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो उससे मेरी थोड़ी दिखी होगी, जॉलीज और बारबेक्यू नेशंस, और गेट पे देखो गेटवे मॉल सामने लिखा हुआ है KFC। और अच्छा, ये जगह इतनी प्यारी है, मैं बताऊँ जब गया था मुझे इतना प्यारी लग रही थी जगह, आप इसकी कलर बिल्डिंग देखें। गाइस अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाता चलूँ। सो अब जो मैंने आपको सामने दिखाया था KFC वगैरह, अब आप किधर जा रहे देखो, ये रोड आम तौर पे रोड ही लग रहा होगा, लेकिन ब्रो ये रोड नहीं है। अगर हम लोग इन रोड्स को बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, सो लिटरली पूरा
पाकिस्तान ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि उकाड़ा का मेन हाईवे है। इधर से फैसलाबाद, इस्लामाबाद बाय कार जा सकते हैं। अगर ये ब्लॉक हो गया तो भाईजान ट्रांसपोर्ट बंद और पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो सकता है लिटरली। आप यार देखो क्या फैक्ट्स हैं, इधर देखो कितना प्यारा जगह है। और अगर यही बंद हो गया भाई तो पाकिस्तान में रोड ब्लॉक, हैदराबाद कराची एवरीथिंग विल बी ब्लॉक, ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाएगा यार। ट्रांसपोर्ट मेन हाईवे पे मैं खड़ा हूँ अभी, आज तो 10 मुहर्रम इसलिए रश नहीं हो रहा, मैं जब आया था यार बहुत ज़्यादा ही रश था। घर आ चुका हूँ यार, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया लिटरली। मैंने इतनी सारी चीज़ें विज़िट की आज तक मैंने विज़िट नहीं की, मज़ार और यार लिटरली रोड बंद कर दे पूरा पाकिस्तान ही ब्लॉक हो जाएगा यार, बड़ी बात है यार। और बस अगर ये ब्लॉग लंबा गया तो मैं इसके दो पार्ट्स लाऊँ, वरना यार एक ही पार्ट में हो जाएगा। एनी वेज तो यार मेरे कज़न आएंगे, बस अल्लाह करे वो लोग आ जाएँ, तो हमारा बहुत ज़्यादा प्लान है पूल वगैरह पर जाने का और मज़े करने का, वो आपको दिखाएँगे। तो यार अभी हमें आया हूँ, मैं थक गया हूँ, चलो मैं अभी इस वाले रूम में चलता हूँ, तो आपको बाद में ही मिलता। यार गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यार हमारा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। आप लोग समझो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली के मोबाइल से यार सब्सक्राइब का बटन दबाओ, ठोक दो सब्सक्राइब के बटन को, जैसे बंदे में गोली ठोकते हैं वैसे ठोक दो यार जल्दी से, क्योंकि यार हमारे चैनल को बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे। फिर आपके भाई बहुत अच्छा ज़्यादा कॉन्टेंट होगा, देखो डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, तो यार आप लोग अभी काम मतलब मुझे सपोर्ट करने का, जल्दी से सपोर्ट करो। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।